गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राकेश तेजा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ मॉर्निंग बुलेटिन में। मॉर्निंग बुलेटिन में हम लोग चर्चा करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के उन लेवल्स की जहाँ आप इंट्राडे में ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं। साथ में मैं लेकर आता हूँ एक स्टॉक भी जहाँ आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं डाउ जोंस से, क्योंकि आज के क्लूज हमको मिलते हैं डाउ जोंस के चाल से। तो डाउ जोंस की अगर हम लोग पिछले पूरे हफ्ते की चाल देखें तो एक साइडवेज मार्केट हमको देखने को मिलता है और वहाँ कोई ज़्यादा बड़ी उछाल या कुछ हमको देखने को मिल नहीं रहा। तो अभी डाउ जोंस का जो ट्रेंड है वो काफ़ी साइडवेज है, लेकिन फ्राइडे के हिसाब से देखेंगे तो एक अच्छी खासी 170 पॉइंट की बढ़त हमने देखी थी, लेकिन ये बढ़त आज हम लोग उसको घटते हुए देख रहे हैं। और आज जो डाउ फ्यूचर है वो करीब करीब 80-90 पॉइंट नीचे चल रहा है और उसी का असर हम लोग देखेंगे तो हमारे एजेक्स निफ्टी पे है। और वहाँ एक हमने देखी थी कि शुरुआत में एक काफ़ी नीचे हुआ था और अब वहाँ थोड़ा सा संभलते हुए हमको एजेक्स निफ्टी संभलते हुए दिख रहा है। तो एजेक्स निफ्टी अभी भी 9 पॉइंट नीचे है। तो ट्रेंड में कोई खास कोई ट्रेंड खास दिख नहीं रहा है कहाँ वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो निफ्टी में हम लोग कहाँ शुरुआत करेंगे और कहाँ प्राइस जा सकती है हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं निफ्टी की। आज जो हमारी बाउंड्री होगी वो होगी 17,800, ये हमारी वापस बाउंड्री होगी। यहाँ से कुछ हम लोग थोड़ा नीचे खुल सकते हैं, फिर थोड़ा और नीचे जा सकते हैं और नीचे जाके 17,800 पे सपोर्ट ले सकते हैं। सपोर्ट अगर ले लेते हैं तो वापस यहाँ से प्राइस ऊपर बढ़ते दिखेगी और फिर 17,864 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और 17,920 हमारा ये दूसरा टारगेट होगा। प्रोबेबली ये इसी रेंज में ऊपर की ओर जा सकता है। नीचे की ओर अगर हम लोग 17,800 ब्रेक करते हैं तो हमको शॉर्ट करना है, फिर शॉर्ट करेंगे तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 17,744 और 17,700 का। मोस्टली रेंज इसी बीच में रहेगी, इससे बाहर जाने की स्कोप थोड़ा कम है क्योंकि मार्केट में कोई एक बड़ी मूवमेंट आने के यहाँ लक्षण अभी दिख नहीं रहे हैं। तो बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में हमारा जो आज का बाउंड्री होगी, आज का जो लेवल होगा जहाँ से हमको ऊपर बेरिश या बुलिश ट्रेंड समझ में आए, वो लेवल होगी मेरी 41,494 की। तो 41,494 की लेवल अगर हम लोग देखते हैं, अगर प्राइस गिरती है वहाँ तक आती है तो वहाँ हमको सपोर्ट लेते हुए दिखेगा और वहाँ से अगर हम लोग को सपोर्ट लेते हुए दिखती तो हमको वहाँ बाय करना है और फिर हमारे नेक्स्ट ऊपर के वो टारगेट होंगे 41,580, 41,622 और 41,678 के। नीचे की ओर अगर 41,494 ये लेवल अगर हमारी बाउंड्री लाइन के नीचे अगर प्राइस निकलना शुरू होती है, रुकती है और तो वहाँ हम शॉर्ट करेंगे और फिर हमारे नीचे के टारगेट्स होंगे 41,423, 41,364 और 41,278 के। तो ये जो लेवल्स हैं, ये हर लेवल पे आपको एक रिवर्सल की संभावना भी दिखेगी इंटरमीडिएटरी मार्केट में और वहाँ आप एक इंटरमीडिएट रिवर्सल ट्रेड भी आपको मिल सकता है, पर शुरुआत के समय में आपको मोस्टली वन वे प्राइस जाते हुए दिखेगी, फिर कहीं 11-11:30 बजे आपको एक सपोर्ट लेते हुए दिख सकता है। ट्रेड द स्टॉक में जो आपके लिए लेकर आया हूँ आज के लिए वो है केमफैब। केमफैब अल्कलीज में हम लोग ने एक अच्छी मूवमेंट आते हुए देखी है पिछले दिनों और ख़ास करके अगर हम लोग फ्राइडे की बात करते तो वहाँ एक अच्छा मूवमेंट हमको बनते हुए दिख रहा है। तो और इसी मूवमेंट को आज कंटिन्यूस होते हुए हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ आपको 290 पे आपको बाय करना है, उसके ऊपर बाय करना है, 277 ये हमारा स्टॉप लॉस होगा और फिर टारगेट जो होगा आज का 318 तक का टारगेट हमको आते हुए दिख सकता है। तो ये जो स्टॉक है या आपको ज़रूरी नहीं कि 318 तक आपको रुकना है, आप बीच में कहीं भी एक अच्छा प्रॉफिट जब आपको दिखने लगे वहां जाके आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। किसी को अगर ये पोजिशनल लेना है तो पोजिशनल भी लेके जा सकता है, स्टॉप लॉस आपको थोड़ा बड़ा रखना है
260 का, और फिर टारगेट्स भी आपको बड़े आते हुए दिख सकते हैं। बड़े टारगेट जो आपको आएंगे और आपको दिखेंगे वो होंगे आपके करीब करीब 360-400 तक के। तो ये जो स्टॉक्स है आप इसको पोजिशनल भी लेके जा सकते हैं अगर ये आज 318 को ब्रेक कर देता है तो। तो दोस्तों ये था आज का मॉर्निंग बुलेटिन, और मॉर्निंग बुलेटिन में जो भी इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आता हूँ ये आपको बेसिकली रिकमेंडेशन नहीं है, ये केवल एजुकेशनल पर्पज़ से है, और इन लेवल्स पे जो लेवल्स मैं देता हूँ वो मैं इस उद्देश्य देता हूँ कि आप इन लेवल्स को समझें, कहाँ आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, कहाँ टारगेट्स हो, तो ये एजुकेशनल पर्पज़ से ही आप इसको कंसिडर करें। अगर आप इन बेस पे कोई भी ट्रेड लेना चाहते हो तो ज़रूर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें या फिर अपने स्वयं के रिस्क पे ये ट्रेड करें, क्योंकि आपको होने वाले किसी भी नुकसान या फ़ायदे के लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो इसी के साथ में मैं आज का ये मॉर्निंग रूटीन यहाँ ख़त्म करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। आपका दिन आज का मंगलमय हो और प्रॉफिटेबल हो। नमस्कार।